Amazon एक टाइम में सिर्फ एक बहुत बड़ी नदी थी, बट आज वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस एम्पायर्स भी है। तो आपको तो लगता होगा कि यार जेफ बेजोस जिस भी सेगमेंट या सेक्टर में हाथ लगाते हैं वो सोना बन जाता है, नहीं तो कैसे यार वह 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स की कंपनी खोल दी, खुद की नेटवर्क 200 बिलियन डॉलर्स क्रॉस हो गई होगी। तो वो बिल्कुल सुपर ह्यूमन लगते होंगे जिनके पास बहुत नॉलेज, स्किल और दुनिया भर का लक है। पर इस वीडियो में मैं 5 अमेज़न के इतने बड़े फेलियर्स, जिसमें हर एक फेलियर की वजह से अमेज़न को हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ था, I've made billions of dollars of failures. Amazon.com. उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे यार क्यों फेल हुआ और कैसे वो इन फेलियर की मदद से आज इतने सक्सेसफुल हैं। इसके बाद हम Amazon का जो कल्चर ऑफ फेलियर है उसके ऊपर भी डिस्कस करने वाले हैं और कैसे वो हम अपने बिजनेस और लाइफ में अप्लाई करके बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्णव नायक, आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान और अब हम जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। पहला और सबसे बड़ा Amazon का फेलियर है फायर फोन। यार फायर फोन तो इतना बड़ा फेलियर था ना, मुझे तो लगता है कि यार जेफ बेजोस को भी दिल से काफी बुरा लगा होगा। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। जून 2014 में Amazon ने अपना पहला मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया। बताया जा रहा था कि काफ़ी टेक्नोलॉजी के लिए एडवांस्ड होने वाला है, बहुत कूल फ़ोन होने वाला है। और वैसे अगर आप देखेंगे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल सारे फ़ोन मार्केट में एंट्री मार ही चुके थे, तो Amazon ने सोचा होगा कि यार मोस्टली हमारे प्लेटफॉर्म में फ़ोन खरीदे जाते हैं, क्यों ना हम भी एक फ़ोन बना लें। तो इसके लिए उन्होंने कई सारी नई नई इनोवेशन करी। एक डायनेमिक पर्सपेक्टिव नाम का फीचर था जिसमें फ़ोन के सामने 4 कैमरा हुआ करते थे और गायरोस्कोप के थ्रू यूजर्स का मूवमेंट ट्रैक करके एक 3D इंप्रेशन क्रिएट किया जाता था। It's kind of like I'm looking at a different world when I'm just looking at the lock screen. Dynamic perspective reflects the way that we interact with the world naturally. जरा सोचो यार, उस टाइम में पूरे फोन में 4 कैमरा नहीं हुआ करते थे, इन्होंने सामने ही लगा दिए इतने कैमरा। इसके अलावा एक फायरफ्लाई नाम का टूल था जो कि टेक्स्ट, साउंड, ऑब्जेक्ट सब कुछ रिकॉग्नाइज कर सकता है और फिर आप वो सारी चीज़ें Amazon के ऑनलाइन स्टोर में खरीद सकते हो। तो बेसिकली वो फोन के थ्रू अपने Amazon ऑनलाइन स्टोर्स का और ब्रांड लॉयल्टी बढ़ाना चाहते थे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और फाइनली 2015 में उन्होंने फायर फोन बेचना बंद कर दिया और करीब 170 मिलियन का लॉस हुआ। इसके कई कारण थे, एक ये था कि इन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी बना दी जो लोगों को ज़रूरत नहीं थी और कई सारे ऐसे फीचर्स थे जो सही से काम नहीं करते थे। इन्होंने अपना फायर OS बनाया जिसको काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ नहीं मिले। इसके अलावा फ़ोन भी काफ़ी महंगा था, करीब $200 का था, उसके ऊपर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी था। भैया उस टाइम में इस प्राइस में आपको टॉप क्लास के एंड्रॉयड फ़ोन्स और आईफोन मिल जाते थे, बट Amazon ने अपना पहला फ़ोन इतना हाई प्राइस में लॉन्च किया, वो भी सिर्फ AT&T के साथ। तो लोगों ने बोला कि यार जेफ भैया ये जो इतना कूल फ़ोन बनाया ना, आप ही यूज़ करो, हम अपने नॉर्मल फ़ोन से ही खुश हैं। और हालत तो ये हो गई थी कि यार फायर फोन का स्टॉक ख़त्म करने के लिए Amazon ये फ़ोन्स 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 99 सेंट्स में बेचने लगा था। पर फिर भी लोगों ने बोला कि ना भाई ना, आप फ्री में भी दे दो, हमें नहीं चाहिए फ़ोन। तो तब Amazon को समझ आ गया कि ये फ़ोन वाला मार्केट है ना, ये हमसे नहीं हो पाएगा। दूसरा जो बहुत बड़ा फेलियर था Amazon के लिए वो है Amazon रजिस्टर। अब Amazon रजिस्टर बेसिकली एक क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग सर्विस था रिटेलर्स के लिए। तो मतलब जब भी आप कोई ऑफलाइन दुकान में जाते हो तो जो अपने क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हो उसके लिए Amazon दुकानदार को अपना ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि यार उस टाइम पे जो उनके कॉम्पिटिटर्स थे जैसे स्क्वायर हो गया, पेपैल हो गया, उनसे कम ये फीस लेते थे। पर इस बार रिटेलर्स ने ही Amazon रजिस्टर की सर्विस यूज़ करने से मना कर दिया। मेरे ख्याल से उनको भी लगा होगा कि यार हम एक्चुअली में Amazon से ही कम्पीट कर रहे हैं और अगर हमने सारा डेटा Amazon को दे दिया तो फिर तो हमारी बैंड बच गई, ये थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग फीस बचाने के चक्कर में हमारी पूरी नैया ना डूब जाए। और इसके लिए ज्यादा रिटेलर्स ने इस सर्विस के लिए साइन अप नहीं किया। तो Amazon जो कि बेटर सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, पर फिर भी उनको Amazon रजिस्टर बंद करना पड़ा। अच्छा, अभी रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम में एंड ग्रुप का जो दुनिया का सबसे बड़ा IPO है उसके ऊपर पोस्ट किया है। इसके अलावा जेफ बेजोस, एलन मस्क, इनके रिलेटेड भी पोस्ट किए हुए हैं। तो तभी मैं बोलता हूँ कि यार इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी जाके वहाँ फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे मैं अलग 1 मिनट के स्टार्टअप बिजनेस टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रेटजी से रिलेटेड वीडियोज और पोस्ट शेयर करता रहता हूँ। जो तीसरा बहुत बड़ा Amazon का फेलियर था वो है Amazon लोकल। तो यार एक टाइम था जब ये जो डेली डील्स के वेबसाइट्स थे ना, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे। हर एक कंपनी अपनी डेली डील्स की वेबसाइट खोल रही थी, ग्रुपॉन बहुत बड़ी कंपनी बन गई थी और लोगों को लग रहा था कि यार ये ऑनलाइन ई कॉमर्स में ये नेक्स्ट बिग थिंग है। तो Amazon ने बोला कि भैया पैसा है तो हम थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते हैं। 2010 में उन्होंने 175 मिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए लिविंग सोशल में, पर 2012 में उनको लगा कि भैया इस इन्वेस्टमेंट का कुछ नहीं हो सकता और इस इन्वेस्टमेंट को एज अ लॉस दिखाया। पर अभी भी उन्होंने हार नहीं मानी, 2013 को फिर से लिविंग सोशल में 56 मिलियन डॉलर्स
इन्वेस्ट किए, पर वक्त अलग था, रिजल्ट वही सेम हुआ। 2014 को उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट को भी एज अ लॉस दिखा दिया। पर अब अमेज़न को लगा कि यार ये सेगमेंट में बहुत पोटेंशियल है, शायद हमको खुद से एंट्री मारनी चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने 2011 में अमेज़न लोकल की शुरुआत करी, पर फिर 2015 में भी उसको भी बंद करना पड़ा, क्योंकि ना उन सर्विस में कोई एक्सक्लूसिव डील्स हुआ करती थी, ना उसमें कोई टेक्निकल इनोवेशन था। तो अमेज़न को अलग से यूज ही क्यों करें जब इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल है। और धीरे धीरे जो डेली डील्स के कॉन्सेप्ट से भी लोग बोर हो गए, और ग्रुपॉन की भी अगर अभी आप हालत देखेंगे काफ़ी ख़राब है। तो ये भी अमेज़न का काफ़ी बड़ा फेलियर था, जिसमें उन्होंने काफ़ी पैसे इन्वेस्ट किए, कई स्ट्रैटेजीज अपनाई, पर फिर भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। चौथा अमेज़न के लिए जो मेजर फेलियर था वो था अमेज़न डेस्टिनेशंस। अब आप बोलेंगे कि भैया ये जो ऑनलाइन रिटेलर ये किस लाइन में आ गए थे। अब अमेज़न डेस्टिनेशन की शुरुआत अप्रैल 2015 में हुई थी, और मुझे तो लगता है कि अब तब कस्टमर्स ने बोला होगा कि यार जेफ भैया ये आप किस लाइन में आ गए। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप, मतलब ऑनलाइन रिटेलर से ट्रैवल इंडस्ट्री में। बट जेफ बेजोस को भी लगा होगा कि यार अमेज़न सिर्फ एक नाम नहीं, ब्रांड है ब्रांड। और शुरुआत उन्होंने वीकेंड गेटअवे लोकेशंस जैसे कि वॉशिंगटन कैलिफोर्निया से करी थी, बट जैसे ही ट्रैवल का सीजन खत्म हुआ अमेज़न ने डेस्टिनेशंस को भी परमानेंट छुट्टी पे भेज दिया, और फाइनली उसी साल के अक्टूबर में ये सर्विस को बंद कर दिया है। मतलब माना कि यार इतनी बड़ी कंपनी है, तो इसका मतलब ये भी तोड़िए कि यार तुम कुछ भी कभी भी किसी भी फील्ड में एंट्री मार लोगे। पांचवा काफ़ी बड़ा अमेज़न का फेलियर था आस्कविल। तो आस्कविल की शुरुआत 2006 में हुई थी, और बेसिकली वो एक कॉम्पिटिटर था याहू आंसर्स का, और कोरा से काफ़ी टाइम पहले आए थे, बट फिर भी वो इतने ज़्यादा पॉपुलर हुए नहीं। कोरा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और सक्सेसफुल हुआ, वैसे तो आजकल लग रहा है कि यार कोरा का भी यूसेज धीरे धीरे कम हो रहा है, पर फिर भी अमेज़न को समझ आ गया कि यार ये जो ऑनलाइन Q&A का जो कॉन्सेप्ट वो निकाल रहे थे उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, और 2013 में उन्होंने ये वेबसाइट बंद कर दी। तो दोस्तों ये थे अमेज़न के 5 सबसे बड़े फेलियर्स। ये कोई स्पेसिफिक ऑर्डर्स में अरेंज नहीं है, और इसके अलावा भी अमेज़न के कई और बहुत बड़े बड़े फेलियर्स हैं जो कि इस लिस्ट में नहीं है, जैसे कि अमेज़न चाइना में फेल हुआ, फिर endless.com था, myhabit.com था, ऐसे और भी कई सारे फेलियर्स थे। पर जेफ बेजोस का कहना है कि यार अमेज़न में बिलियंस ऑफ डॉलर्स के फेलियर्स हुए हैं, बट वो फेलियर से डरते नहीं है, जबकि इनका एक्सपीरियंस बुरा होता है वो फेलियर से सीख के नई नई चीज़ें इंप्लीमेंट करते हैं। अब इसका अगर आप एग्जांपल देखेंगे वो है अमेज़न का एको स्मार्ट स्पीकर। तो जिस साल फायर फोन लॉन्च हुआ था उसी साल 5 महीने बाद अमेज़न एको का स्मार्ट स्पीकर लॉन्च हुआ था, और काफ़ी लोगों का कहना था कि यार ये दोनों चीज़ें फेल हो जाएगी, और अमेज़न स्मार्ट स्पीकर का तो चलने कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि जब गूगल और एप्पल के वॉइस असिस्टेंट हैं ही जो कि फ़ोन्स में होते हैं और ये फ़ोन हर एक इंसान के पास होता है, तो कोई एक स्मार्ट स्पीकर क्यों ही चाहेगा। बट अमेज़न ने फिर भी लॉन्च किया, और आज आप देखेंगे कि यार एको स्पीकर्स कितने ज़्यादा पॉपुलर हैं। इसके अलावा इसकी वजह से अमेज़न को हेड स्टार्ट भी मिला है वॉइस असिस्टेंट के स्पेस में। उनका एलेक्सा आज इतना पॉपुलर एको की वजह से हुआ है, और एलेक्सा के थ्रू ही वो इतना ज़्यादा डेटा कलेक्ट करके अपनी सर्विसेज और ज़्यादा इंप्रूव कर रहे हैं। तो जेफ बेजोस उसका सिंपल सा कहना है कि यार मेरा काम है कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करूँ कि यार वो बोल्ड रिस्क ले, और जब तक वो फेलियर से सीख रहे हैं और नई नई चीज़ें बना रहे हैं तो अमेज़न सक्सेसफुल ही रहेगा। वन ऑफ माई जॉब्स एज द लीडर ऑफ अमेज़न is to encourage people to be bold. And people love to focus on things that aren't yet working. And that's good, it's human nature. That kind of divine discontent can be very helpful. But you really, you know, it's incredibly hard to get people to take bold bets. And you need to encourage that. And if you're gonna take bold bets, they're gonna be experiments. And if they're experiments, you don't know ahead of time whether they're gonna work. Experiments are by their very nature prone to failure, but big successes, a few big successes compensate for dozens and dozens of things that didn't work. वो ये नहीं चाहते कि यार एम्प्लॉयज इनोवेट करना छोड़ दें। उनका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यार अगर कई सारे फेलियर के बाद एक बड़ा सक्सेस मिल जाए वो आराम से सारा फेलियर का कॉस्ट वापस ले आता है और अमेज़न को नेक्स्ट लेवल पे भी ले जाता है। और चाहे वो अमेज़न का मार्केट प्लेस हो या प्राइम सर्विस हो, ये सारी चीज़ें आज इतनी सक्सेसफुल इसीलिए है क्योंकि तब अमेज़न ने रिस्क लिया था। तो बेसिक फंडा यही है कि यार हमें भी अपने लाइफ में सेफ नहीं खेलना है, क्योंकि सेफ खेलना ही इस ज़िंदगी में सबसे बड़ा रिस्क है। नई नई चीज़ें ट्राई करते रहो, अपने फेलियर से सीखो, कभी ना कभी सक्सेस मिलेगा, और वो जो सक्सेस मिलेगा वो आपको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा देगा। तो दोस्तों ये थे अमेज़न के 5 टॉप फेलियर्स और उनका जो फेलियर कल्चर है उसके ऊपर केस स्टडी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आके वहाँ भी फॉलो कर लो। और क्या आप चाहते हैं कि यार मैं अमेज़न के ऊपर या जेफ बेजोस का डेली शेड्यूल कैसे है, वो क्या प्रोडक्टिविटी हैक्स यूज़ करते हैं, क्या वो स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं, इनमें से अगर आप कोई भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं नीचे कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा वीडियो। आगे हम ऐसे स्टार्टअप बिजनेस मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ।
धन्यवाद।